हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग जायसवाल एक बार फिर आप सबके सामने आया हूँ फार्मेसी को बहुत बहुत आसान बनाने। आप सबका हमारे चैनल KCL ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट दो लेक्चर्स में कोलिनर्जिक ड्रग और एडिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत ही आसानी से पढ़ा था, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से। आई होप आपको पसंद आई होगी वो वीडियो और आपने याद भी कर लिया होगा। आज हम नेक्स्ट वीडियो पर एंटी एडिनर्जिक ड्रग के क्लासिफिकेशन को लेकर आए। तो एडिनर्जिक रिसेप्टर के जो एंटागोनिस्ट होते हैं यानी ब्लॉकर्स होते हैं, उनको हम कैसे याद करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं तो इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमें मोटिवेट करें। और ये है क्लासिफिकेशन एडिनर्जिक ड्रग का। देखिए, एडिनर्जिक ड्रग आप जानते होंगे कि दो रिसेप्टर पे ब्लॉक बाइंड करता था, अल्फ़ा और बीटा। तो अगर हम अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर को बारी बारी से ब्लॉक कर दें तो इसका मतलब है कि हम एडिनर्जिक ड्रग के रिसेप्टर को बाइंड कर सकते हैं। तो एक हम इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक अल्फ़ा ब्लॉकर और दूसरा बीटा ब्लॉकर। जो अल्फ़ा ब्लॉकर है उसमें भी हमारे दो होते हैं, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव डिफरेंस आप समझ लीजिए क्या होता है। सेलेक्टिव मतलब जैसे कि मैंने कहा अल्फ़ा वन सेलेक्टिव, अल्फ़ा टू सेलेक्टिव। तो ये जो ड्रग है वो सिर्फ अल्फ़ा वन से ही बाइंड करेंगे या अल्फ़ा टू से बाइंड करेंगे। लेकिन जब मैंने बोला नॉन सेलेक्टिव तो इसका मतलब ये नॉन सेलेक्टिव होने का मतलब ये है कि ये अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू किसी से भी बाइंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अल्फ़ा से, बीटा से नहीं। ठीक है, ये उसके कुछ ड्रग्स हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर लेकर इसको आप नोट कर सकते हैं। और दूसरा है बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर, यानी कि जो बीटा को ब्लॉक करेगा, उसमें भी वही है सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव जो सिर्फ बीटा वन पे ब्लॉक करता है, और नॉन सेलेक्टिव वो जो बीटा वन, बीटा टू या बीटा थ्री तीनों पे कहीं भी ब्लॉक कर सकता है। उसका क्लासिफिकेशन इसको आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ट्रिक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, अल्फ़ा ब्लॉकर। तो अल्फ़ा ब्लॉकर देखो, नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके घर में कैसे आप याद करेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब आप समझिए कि आप अल्लाहपुर में रहते हैं। अल्फ़ा का हमारा मतलब हो गया कि आप अल्लाहपुर में रहते हैं, और अल्लाहपुर में अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ गया जो कि नॉन सेलेक्टिव है, मतलब बहुत ख़ास नहीं है, तो आप उसके लिए क्या, भाई अगर आपके पास मेहमान बहुत ख़ास है तो आप बहुत महंगी डिश मंगाएंगे या उसको स्विगी से ऑर्डर करेंगे, या अगर वो मेहमान आपका नॉर्मल है, नॉन सेलेक्टिव है, तो आप उसको फैंटा या कोका कोला यही सब मंगा के आप उसको पिला देंगे और आपका काम हो जाएगा। यानी नॉन सेलेक्टिव से आपको मन में याद करना है कि अल्फ़ा यानी अल्लाहपुर में अगर कोई नॉन सेलेक्टिव यानी कोई ख़ास मेहमान नहीं आया है तो उसका ट्रिक है फैंटा और कोला अगर मंगाओ तो सब पी लेंगे। कि जितने भी मेहमान हैं कोई ख़ास नहीं है, अगर फैंटा कोला मंगाओ तो सब पी लेंगे। तो फैंटा से आप, मेरे फ्रेंड्स, आप देखिए फैंटा से हो गया फेंटोलामीन, और कोला से हो गया क्लोरप्रोमाजीन, और अगर से हो गया एर्गोटामीन। ये तीन ट्रिक आपके सामने हैं, फैंटा से फेंटोलामीन, कोला से क्लोरप्रोमाजीन और अगर से एर्गोटामीन। आगे बढ़े हम लोग तो सेलेक्टिव की बात करें। अगर सेलेक्टिव मतलब कि जो अल्फ़ा यानी अल्लाहपुर की बात करें, अल्फ़ा की बात करें या अल्लाहपुर की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद में अल्लाहपुर है, तो अल्फ़ा यानी अल्लाहपुर में अगर हम बात करें सेलेक्टिव, तो सेलेक्टिव मतलब अगर इसमें कहानी है कि कुछ खास, नॉन सेलेक्टिव में कोई खास, सेलेक्टिव कुछ खास यानी अल्लाहपुर का नाम अल्लाहपुर कैसे पड़ा, इसकी एक कहानी समझिए। बहुत सब पहले एक यहूदी का सुल्तान था। तो यहूदी जो सुल्तान था वो क्या करता था कि वो आक्रमण कर रहा था और सभी देश में जितने भी हिंदू कंट्रीज थे उसका नाम बदल रहा था। तो एक हमारे भैया इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में एक जोशी जी थे, और जोशी जी बड़े प्यारे आदमी थे लेकिन बड़ा अजीब अजीब हंसी मजाक करते थे। तो एक दिन वो गए यहूदी के सुल्तान के पास, उसको उल्टा सीधा बोल दिया, वो गुस्सा गया, तमतमा गया, और उसने उसी दिन से अल्लाहपुर नाम रख दिया। कहा आज से प्रयागराज नेम नहीं होगा, वो अल्लाहपुर नाम होगा। तो इस स्टोरी से जुड़ती हुई ट्रिक क्या है कि प्यारे जोशी, तेरे दो अल्फाज सुनकर तमतमाया सुल्तान यहूदी का। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है कि प्यारे जोशी, तेरे दो अल्फाज सुनकर तमतमाया सुल्तान यहूदी का। तो प्यारे से पैरा जोशी, ठीक है, जोशी सब में लगाना, जोशी मतलब जोशीन सब में लगाना है। तो यानी आप याद रखिएगा कि जैसे ही अल्फ़ा वन या अल्फ़ा टू सेलेक्टिव की बात आएगी तो अल्लाहपुर में कौन रहते हैं, जोशी जी। तो आपको हर ड्रग के नाम के पीछे जोशी लगा देना है। प्यारे जोशीन, तेरे से हो गया टेरा जोशीन, दो से हो गया डोक्सा जोशीन, अल्फाज से हो गया अल्फ्यू जोशीन, तमतमाया से लेकर टैमुसुलसिन, तमतमाया सुल्तान यानी टैमुसुलोसिन, तमतमाया सुल्तान। और अल्फ़ा टू में अगर आ जाए यहूदी से हो गया हमारा योहिम्बीन, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक रही होगी, अल्लाहपुर में आप जोशी जी को याद रखिएगा। तो सेलेक्टिव में अगर हो गया तो प्यारे जोशी, तेरे दो अल्फाज सुनकर तमतमाया सुल्तान यहूदी का, प्यारे से पैरा जोशीन, और तेरे से टेरा जोशीन, दो से डोक्सा जोशीन, अल्फाज से अल्फी जोशीन, तमतमाया सुल्तान से टेमू सुलोशीन और यहूदी।
यहूदी से जो है मिल, ये हो गया हमारे अल्फा ब्लॉकर। हम बीटा ब्लॉकर की बात करें तो बीटा ब्लॉकर में भी दो होते हैं, नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव। अगर नॉन सिलेक्टिव है यानी कि देखो बीटा से आप जोड़ो बेटा, देखो अल्फा से आपने जोड़ा अल्लापुर, अब बीटा से जोड़ो बेटा। अब बेटा से आप दो कहानी याद करो कि अगर बेटा आपका सिलेक्टिव है तो आप उसको जो भी काम करेंगे देंगे वो मानेगा, और बेटा अगर आपका बेटा नॉन सेलेक्टिव है यानी वो अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी काम करेंगे वो नहीं मानेगा, वो हमेशा दारू सिगरेट पिएगा, कार में घूमेगा, कुछ भी उल्टा सीधा काम करेगा लेकिन अच्छा काम नहीं करेगा। तो आपको अल्फा से अल्लापुर याद आएगा और बीटा से आपको याद रखना है दो चीज़, बेटा बेटा एक सेलेक्टिव जो अच्छा बेटा है जो सारा काम करता है, और बुरा बेटा नॉन सेलेक्टिव जो काम नहीं करता। अब बुरे बेटे की प्रॉपर्टी समझ लो, प्रॉपर सोटेंगे सिगरेट, यानी बेटवा हमेशा सिगरेट पीता रहेगा, प्रॉपर सोटेंगे सिगरेट, टाइम से पिएंगे रेड लेबल, रेड लेबल मतलब दारू, कार में बैठ के मिलाल मेरे, लाल मेरे मतलब कि जब भी आपका बीटा ब्लॉकर आएगा तो बीटा ब्लॉकर मतलब बेटा, और बेटे को हमेशा लाल कहा जाता है, मेरे लाल। तो ये आपको याद करना है कि आपको हर ड्रग के पीछे लाल लगा देना है, ये ट्रिक है कि जब भी बीटा ब्लॉकर आएगा यानी बीटा मतलब आपका बेटा, और बेटा में आपको लाल लगाया पड़ेगा, हर हर उसे कहते ना मेरा लाल, तो लाल आपको लगाना पड़ेगा। तो प्रॉपर सोटेंगे सिगरेट में आप समझिए, प्रॉपर से आएगा प्रोपेनोलॉल, सोटिंग से आएगा सोटा लाल, ठीक है, टाइम से आएगा टीमोलॉल, पीएंगे से आएगा पिंडोलॉल, लेबल से आएगा लेबिटा लॉल, और कार से आएगा कर्बिडॉल। यानी आपको याद क्या रखना है कि जब भी बीटा ब्लॉकर आएगा मतलब बेटा मतलब बेटा, और बेटा मतलब लास्ट में लगाना है लाल, और पहला नॉन सिलेक्टिव मतलब बुरा बेटा, बुरा बेटा कैसा है, प्रॉपर सोटेंगे सिगरेट, टाइम से पिएंगे रेड लेबल, कार में बैठ के लाल मेरे। तो ये लाल की बुराई हो रही है और उसकी पूरी कहानी है। दूसरा है सेलेक्टिव, जो अच्छा बेटा है, उस बेटे को तुम जितना भी काम कर दो, बेटवा एंटीना सही कर दो, मीटर सही कर दो, एसी सही कर दो, सीलिंग सही करो, सब करेगा वो। तो इसकी ट्रिक क्या है, बीटा वन से आप याद, सेलेक्टिव से याद रखिएगा कि जो सेलेक्टिव मतलब कि अच्छा बेटा, तो उसकी ट्रिक है बेटा मीटर एंटीना एसी सीलिंग इसको लाल कर दो, बिस्कुट खिलाऊंगा। लाल मतलब आपको याद रखना है कि लास्ट में लाल लगाना है, मैंने बताया ऑलरेडी कि बीटा वर्ड अगर बीटा ब्लॉकर आएगा तो आखिरी में लाल लगेगा ही लगेगा, ये ट्रिक है इसकी। जैसे अल्फा में जोशी लगता है, अल्लापुर में जोशी जी रहते थे, उसी तरह इसमें। तो इसका ट्रिक आप बहुत ध्यान से देखिए, बेटा से बिटॉक्सोलॉल, मीटर से मेट्रोप्रोलॉल, एंटीना से एटिनोलॉल, एसी से हो गया एसीब्यूटॉल, सीलिंग से हो गया सेलिप्रोलॉल, इसको से हो गया इस्बोलॉल, बिस्कुट खिलाऊंगा बिस्किट से हो गया बिसोप्रोलॉल। ये ट्रिक है कि मेरे बेटा मीटर एस्टीना एसी सीलिंग इसको लाल कर दो, बिस्कुट खिलाऊंगा, और ये सारी ड्रग है। मेरे ख्याल से अगर आप इस वीडियो को दो या तीन बार देखेंगे तो पूरी गारंटी है कि आपको एंटी एलर्जिक ड्रग के क्लासिफिकेशन जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपको वीडियो देखने के लिए, आप लोग का प्यार बहुत मिल रहा है हमें आपके कमेंट्स के द्वारा। अगर आपको बहुत अच्छा लगे वीडियो या कुछ भी लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किस ड्रग का क्लासिफिकेशन आप और सीखना चाहते हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर हमारे यहाँ फार्मेसी के सारे सब्जेक्ट्स के बी फार्मा डी फार्मा के नोट्स चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स भी जाएगा और किसी भी क्वेश्चन को आप पीडीएफ व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं हमेशा एनी टाइम 24/7। और इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।